1857 की क्रांति के गुमनाम शहीद राजा नाहर सिंह जी के बलिदान दिवस पर नाहरगढ़ उत्थान संघ द्वारा जाफरपुर कम्युनिटी सेंटर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैप्टन कंवर लाल डागर जी ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर राजा नाहर सिंह जी के पोते कुंवर नरवीर सिंह जी के साथ साथ गुड़गांव DIG की पत्नी शम्मी अलावत जी, आदर सिंह जी व जयम डागर जी उपस्थित रहे। मंच का संचालन विनोद बंसल जी ने किया। कवियों में विनय विनम्र, सत्यदेव हरियाणवी और इकबाल ने अपनी कविताओं से समा बांध दिया। ऐसे क्रांतिकारी को हम लोग आज यहाँ याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने सर्वस्व अर्पण किया राष्ट्र रक्षा के लिए, जिन्होंने कहा कि आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दूं, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दूं, आए मेरे देश तेरे चाणों की सौगंध मुझे, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दूं। जागृत विश्वास होना चाहिए और क्रांति का फिर से तो बिगुल बजा रहे, अब तो पैदा कोई नाहर सिंह सुभाष। चंद मुट्ठी भर विदेशियों ने यहाँ अंधाधुंध सितम किए, देशवासियों को जिन्होंने अनगिनत जख्म दिए, तो उन्हें अपनी हिम्मत से वे सात समुंदर पार उतार दिए और डायन जैसे कायर तो उन्हें की क्रांति में शहीद बदन चौधरी जी के पड़पोत्र चौधरी तेजपाल भी वहां उपस्थित रहे। आज 9 जनवरी 2021 को राजा नाहर सिंह जी के बलिदान दिवस पर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कुंवर नरवीर जी, जो कि राजा नाहर सिंह जी के पोत्र हैं और वो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे, कैप्टन कंवरलाल जी, समीना अलावत जी, हाँ जी, और सभी मुख्य अतिथियों ने भाग लिया और राजा नाहर सिंह जी को श्रद्धांजलि दी। मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ऐसे महान विभूति को याद किया। प्रोग्राम के आयोजक अनिल डागर और साहिल मलिक की सभी ने सराहना की। ये ऐसा मौका है, इसमें मैं सबसे पहले तो अनिल डागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये मुहिम चला रखी है और जो फैसले यहाँ इसमें हैं, ये अपने आप में एक इतिहास बन गया है। और जो जिस तरीके से लगे हुए हैं, मैं समझता हूँ इस तरीके की सोच, इस तरह की समझ, इस तरह की मेहनत बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। मैं तो खुद इनसे इतना प्रभावित हूँ कि ये मुझे जब कभी भी याद करते हैं मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ, और इनको मना करना मेरे लिए तो असंभव है। मैं इनको कभी मना कर, चाहे मेरे को कैसे ही आना पड़े, कितना ही समय लगे, किसी भी तरीके से इनकी मेहनत देख के मैं रुक नहीं सकता। ये जो अनिल जी ने प्रोग्राम किया है, अनिल डागर जी ने, और जिस जुनून के साथ ये काम कर रहे हैं, नाहर सिंह की आत्मा को शांति मिलेगी, महाराजा जो हमारे राजा थे नाहर सिंह जी, उनकी आत्मा को वो देख रहे होंगे कि ये कितने तहे दिल से काम कर रहे हैं और इनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। मैं आशा करती हूँ कि हम सब लोगों के, सब बच्चों के अंदर ये भावना पैदा हो कि देश के लिए ही मरना है और देश के लिए जीना। जय हिंद। जो अनिल डागर कर रहा है, ये सेवा, ये युद्ध, ये जो इस तरह उठाया है, मैं इस लड़के को सलाम करता हूँ। राजा नाहर सिंह को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और संकल्प करता हूँ कि अनिल डागर के सपने में सपना मिलाकर और जिन भाइयों ने ये एक मुहिम छेड़ी है उसमें अपना योगदान देते हुए जहां तक होगा इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। देखिए, आज राजा नाहर सिंह जी के बलिदान दिवस के अवसर पर यहां पर हमारे अनिल डागर जी ने आज कवि सम्मेलन का प्रोग्राम किया है, तो बड़ा अच्छा लगता है। 1857 की क्रांति में शहीद हुए हमारे राजा नाहर सिंह जी के बलिदान दिवस को आज हम इस रूप में मना रहे हैं, कवि सम्मेलन के रूप में मना रहे हैं, तो हमें सब, हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीत है, गांव घुमनेड़ा है। आज जो राजा नाहर सिंह के जो बलिदान दिवस के उसमें जो जाफरपुर कला में भाई अनिल डागर ने जो ये राजा नाहर सिंह उत्थान मंच के माध्यम से जो प्रोग्राम कर रखा था, इसमें इस क्षेत्र के, इस नजफगढ़ ब्लॉक के जितने भी जो सभी गांव से जो हमारे भाई आए हैं,
उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। और इस मुहिम को आज कैप्टन कवल डागर जी ने जो बताया कि हम इस मुहिम को आगे ले जाएंगे और राजा नाहरगढ़ का जो नजफगढ़ का जो नाम है वो राजा नाहरगढ़ नाम से संबोधित करेंगे। धन्यवाद। प्रोग्राम के उपरांत महिलाओं को प्रतीक चिन्ह के तौर पर गर्म शॉल भी दी गई। न्यूज 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें। अगर आप समाज सेवी, लीडर, व्यवसायी या प्रेरक वक्ता हैं, अगर आपके आसपास किसी भी तरह की समस्या है जिसके समाधान के लिए मीडिया की आवश्यकता है, अगर आप अपनी इनकम में लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन के अनुभवों को किसी भी वर्ग को प्रेरित कर सकते हैं, अगर आप अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तुरंत न्यूज 43 से संपर्क करें। अगर आपने अभी तक न्यूज 43 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोज की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे।